हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक डिवाइड का एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो किसी भी संख्या में 5 से 25 से और 125 से यदि भाग देना हो तो कैसे देते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए किसी भी संख्या में क्या 5 से, जैसे कि आप कितना है 123 डिवाइडेड बाय कितना 5, इसमें 5 से देना भाग देना हो या किसी भी संख्या में, ठीक है, 25 से भाग देना हो या 125 से भाग देना हो, ठीक है, तो कैसे देते हैं इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट में देखते हैं किसी भी संख्या में यदि 5 से डिवाइड करना हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है आपको, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, ध्यान से देखना है क्या कर रहे हैं। यदि किसी भी संख्या में, ठीक है, 5 से भाग देना हो तो 1, 2, 3 सेकंड में हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे, चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना सेकंड लगता है। चलिए ये आ गया इसका भाग, कितना सेकंड लगा, कितना सेकंड लगा, अरे भाई बोल दो कितना सेकंड, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। 3 सेकंड में क्या हो गया, इसका भाग निकल गया, आ गया डिवाइड। नहीं मालूम है तो कैलकुलेटर निकाल कर देख लो करके। अब देखिए कैसे हुआ, ठीक है, अब ये देखना है कैसे हुआ। यदि किसी भी संख्या में 5 से डिवाइड करना हो, ठीक है, किसी भी संख्या में यदि 5 से भाग देना हो तो क्या करेंगे, उसमें पहला स्टेप 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, भाग नहीं देंगे, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ऊपर वाले में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 3 6, ठीक है, और 2 2 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की 2। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है। क्या करना है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। ये आ गया भाग। हाँ जी, चलिए आगे नेक्स्ट देखिए कितना है। यदि इसमें हमें 5 से डिवाइड करना है, ठीक है, क्या करेंगे, फट से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 12 2 12 12 की कितना हो जाएगा 2, ठीक है, कैरी कितना बचेगा, 1, 5 2 कितना हो जाएगा, 10 10, और ये 1 कितना हो जाएगा, 11, ठीक है, 11, और यहाँ कितना, 3 2 6 6, और ये 1 कितना हो जाएगा, 7, एक अंक के बाद क्या करना है, पॉइंट लगा देना। फिर से 6 2 12 2 1 5 2 10 11 1 3 6 7, क्या आ गया, इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया, सॉरी भाग आया, डिवाइड निकल गया। अब देखिए आगे 8 2 6, इसमें 5 से डिवाइड करना है, क्या करेंगे, फट से 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और एक अंक के बाद क्या करेंगे, पॉइंट बैठा देंगे। 6 2 12 2 3 4 1 5 8 2 16 1 2 4 और 8 2 16 6 2 12 2 3 4 1 5 8 2 16, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, बन गया भाग। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यदि किसी भी संख्या में 25 से भाग देना हो, ठीक है, 25 से भाग देना हो तो जैसे यहाँ पे दिया है 2 5 4 6, इसमें क्या करना है, 25 से भाग देना है, 25 से भाग देना है। क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 6 6 को 24 की 4, ठीक है, 6 6 को 24 की 4 हासिल 2, 4 6 को 16 2 18 की 8 हासिल 1, और 5 6 का 20, 1 21 की 1 हासिल 2, 4 2 8 और 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। फिर से 6 6 को 24 की 4 हासिल कितना हो जाएगा, 2, 4 6 को 16 2 18 की 8 हासिल 1, 5 6 का 20 और 1 21, 4 2 8 2 10, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, बन गया भाग। अब देखिए कोई भी और 2 एग्जांपल ले लेते हैं, 2 6 5 में क्या करना है, 25 से भाग डिवाइड करना है, 2 6 यहाँ पे 3 कर दीजिए, 3, इसमें क्या करना है, 25 से डिवाइड करना है, क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, 4 से फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे,
फोर से मल्टीप्लीकेशन कर देना है और टू अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है। चलिए थ्री फोर या कितना हो जाएगा 12, थ्री फोर या 12 कैरी कितना हो जाएगा 1, और सिक्स फोर या क्या हो जाएगा 24, और 1 कितना हो जाएगा 23, 23, और टू फोर या 8, और टू कितना हो जाएगा 10। दो अंक के बाद पॉइंट बैठा दो। चलो फिर से, चार तिया 12 की दो हासिल 1, चार तिया 12 की दो हासिल 1, छो छो को 24, छो छो को 24, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, चार तिया 12 की दो हासिल 1 और छो छो को 24 और 1 25 की 5 हासिल 2, चार दुनिया 8 और 2 10। दो अंक के बाद पॉइंट बैठा दो, ये निकल गया भाग। अब क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी संख्या में यदि 125 से भाग देना हो तो कैसे करेंगे, किसी भी संख्या में यदि 125 से भाग देना हो तो, जैसे आप दिया है 101, 2, 3, 4, इसमें क्या करना है 125 से डिवाइड करना है। क्या करेंगे इसमें 8 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे और 3 अंक के बाद असेंबलर की याद कर देंगे। क्या 8 से मल्टीप्लीकेशन करके क्या करना है 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। चलिए 8 का 32 की 2 हासिल 3, 8 या 24, 3 कितना हो जाएगा 27, 27 की 7 हासिल 2, 8 16, 16, 2 कितना हो जाएगा 18, 18 की 8 हासिल 1 और 8 है 1 9, कितना 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दो। चलो ये हो गया। इसी तरह से किसी भी संख्या में यदि 125 से भाग देना हो तो क्या करेंगे 3 अंक के बाद 8 से गुना करके 3 अंक के बाद दशमलव ज्ञात बैठा देंगे।